बिहार क्या देश में एक अग्रणी भूमिका निभाता है। हमारे यहाँ पर जितना प्रेस है, जितना मीडिया है और आप लोगों को भूमिका जो अतीत में रहा है वो सब मुझे जानकारी है। मेरे कई सारे मित्र भी यहाँ पे हैं। मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ इस संवाद वार्ता में। मैं सम्मान करता हूँ बाबू सियाराम सिंह जी का जन्मभूमि और रामधारी दिनकर जी जैसे कवि जो वाइस चांसलर थे यहाँ पर, उनकी कर्मभूमि को। और अपनी बात रखने चाहते हैं हम, ये किसान सत्याग्रह आज हम लोग लगभग 27 जिले में आके पहुंचे। दूसरी चरण में का ये है, 38 जिला में से हम 27 जिला कवर कर चुके हैं और दो दिन कवर करने के बाद तीसरी चरण में और रह जाएगा 7-8 जिला, उस समय हम कवर करेंगे। किसान सत्याग्रह में भारी जनसमर्थन और कांग्रेस कार्यकर्ता नेता सब एक होके हर प्रखंड में निकल रहे हैं। जहां जिस रोड पे हम गुजर रहे हैं सब जगह पे हमारे उपस्थिति मिल रहा है। जहां हम पैदल यात्रा कर रहे हैं किसानों के बीच में जा रहे हैं, गरीबों के बीच में जा रहे हैं, मजदूरों के पास जाकर पूछ रहे हैं वो क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और मुझे अभी तक जो मिला बहुत सनसनी बातें किसान के जीवन के संदर्भ में और मजदूर के जीवन संदर्भ में मिला। लोग रो रहे, कल एक गांव में रोए एक किसान, रोया परसों एक मजदूर परिवार, सारे परिवार लोग हमको गैस का चूल्हा मिला है, ना इंदिरा आवास मिला, ना हमारा घर मिला है कुछ, ना पैखाना मिला है और गैस का दाम इतना हो गया कि हम अभी आइए हम दिखाते हैं कहां रखे हैं गैस का चूल्हा। हम लोग जाए देखे गैस का खरीदने के लिए उनको 1000 से 1100 रुपया मिलता है, 1100 रुपया में गैस मिलता है, ऐसे खरीदे। उनकी कमाई है 100 रुपया। बोले मजदूरी करके हमारे परिवार में 5 लोग हैं खाने वाले, कमाई एक व्यक्ति करता है, 100 रुपया मजदूरी मिलता है। अब इससे हम कैसे गैस भरें और कैसे अपना परिवार पालें। ऊपर कपड़ा नहीं था उनके पुरुष लोगों का, माता है बहुत पुरानी कपड़ा पहनी हुई और बच्चों के शरीर में भी कपड़ा नहीं था उस परिवार के बच्चों का, और उनके पिताजी के शरीर में भी नहीं कपड़ा था। वो भी रो पड़े अपनी हालत बताते हुए। मैंने कहा सरकार का कोई सहायता मिलता है नहीं, कुछ नहीं मिलता है, कोई पहुंचता नहीं, कोई पूछता ही नहीं। उस समय एक आदमी आके बताता है इंदिरा आवास या कोई भी योजना मंजूर होता है तो 50% पहले अधिकारी लोग मांग लेते हैं। पहले अगर 1 लाख रुपया का है तो 50,000 रुपया पहले दे दो, उसके बाद हम तुमको ये मंजूरी देंगे। ये दशा है, ये देखे हम, जो देखा हम आपको बता रहे हैं। और किसान को यहाँ गन्ना का जो भाव है 4 साल से बढ़ा ही नहीं, 310 रुपया के अंदर ही है। 310 रुपया में मैं पूछा, पूर्णिया के एरिया में हम जा रहे थे वहां पर पूछा, गांधी सत्याग्रह में जब गांधी जी के आश्रम स्थल पर जा रहे थे उसी समय गांव में पूछा, तो 310 रुपया में आपको लाभ कितना होता है पूछा। वो लाभ क्या होगा, हमको लागत मिलता नहीं है, 4 साल से बढ़ा नहीं है, खाद की दाम बढ़ता रहा है, कृषि उपकरणों की दाम बढ़ता रहा है, डीजल पेट्रोल का बढ़ रहा है, तो हम कहां से लाभ करेंगे। और समय पर भुगतान तो भूल जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हमारी किसान है। मैं यहाँ पे भागलपुर में बहुत उत्पादन करते हैं, मैज उत्पादन करते हैं, कोई मार्केट ही नहीं, कौड़ी के भाव में बेचना पड़ता है। आप देख लीजिए धान को 1100 रुपया से ज्यादा मिलता ही नहीं। आप जानते हैं बिहार की एग्रीकल्चर इनकम पर हाउस होल्ड
कितना है 3,560 रुपया पर मंथ। एवरेज क्या है ये भारत का? सबसे लोएस्ट इन इंडिया, भारत में सबसे कम, लोएस्ट इन इंडिया ये एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड इनकम। क्यों है? अगर उसको एमएसपी मिलता तो क्या ये दशा होती? उसका पर कैपिटा इनकम पर हाउस बढ़ जाता, दुगना तीन गुना हो जाता, उसको घटा दिए। और क्यों है? ये जो एक्सपेरिमेंट किए बिहार में, मंडी को हटाए, लोगों का जो मंदिर था, मंदिर जिस मंदिर में जाके किसान को सम्मान मिलता था, सम्मानित ढंग से अपना अनाज बेचते थे और अनाज खरीदने के लिए सरकार तंत्र मजबूर था, अपने मंडी को उठा के किसान के ऊपर बोझ ला दिया, दबा दिया किसान को। आपने कहा था डिसइन्वेस्टमेंट आएगा, बड़े बड़े पैसा वाले आएंगे, पैसा लगाएंगे कृषि क्षेत्र में। मुझे बता दीजिए 2006 और आज में कितना इन्वेस्टमेंट आया है? अगर इन्वेस्टमेंट आया होता तो कृषि का इनकम बढ़ा होता कि नहीं? यहां पर बहुत सारे फसल होता है, आम होता है, इतना आम होता है आपके यहां पर, क्या कोई एक भी जूस फैक्ट्री है, एक भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है? केला होता है, उस केले में आप केरल जाइए, देखिए किस तरह केरल में कितना खाद्य बनता है, कितना कुटीर उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्री, बिग इंडस्ट्री केले के ऊपर है, देख लीजिए। वो क्यों बिहार में नहीं हो सकता? आलू, आलू भी बहुत हाईएस्ट उत्पादन होता है, सदानंद बौद्धिक कह रहे हैं। कर्न होता है, कर्न तो मैं बोल चुका हूं, कर्न है, मकई में बोला ना, कर्न है, लीची का फल है, लीची, लीची का भी स्थल है। तो बहुत सारे हजारों एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो सकता था और लाखों रोजगार का प्रावधान किया जा सकता था। कहा एक अचार बनाने का फैक्ट्री था 25 साल पहले, वहां पर लगभग 5,000 लोग काम करते थे, वो मैनेजमेंट आज भी है लेकिन बंद पड़ा है। उसको रिवाइवल करने का क्यों नहीं सोच रहे हैं ये लोग? किसान के बारे में समझने वाले मोदी जी के सरकार हो, नीतीश जी के सरकार हो, राज्य और केंद्र में, ये लोग क्यों नहीं सोचते हैं? उसको रिवाइव करें तो आज भी लोग 5,000 लोग तो डायरेक्ट नौकरी पाएंगे। यहाँ पे स्टील का और एक यार्न फैक्ट्री था, एक यार्न फैक्ट्री था, स्पॉन्ज आयरन, स्पॉन्ज यार्न का फैक्ट्री था जिसमें 10,000 लोग काम कर रहे थे, वो भारत सरकार का था, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, तो उसमें 10,000 लोग काम करते थे, वो भी बंद पड़ा है 20-25 साल से। ये दोनों फैक्ट्री को अगर रिवाइव किए होते तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 15,000 और इंडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलकर 30,000 लोग कम से कम इसमें रोजगार, रोजी रोटी पाते। बुनकर अभी त्रागमाम में सर भागलपुर, बुनकर की तो बात आप सोचिए मत, 45,000 परिवार बुनकर हैं आपके भागलपुर में, 45,000 परिवार, और सेकंड गया में है 15,000 परिवार बुनकर हैं। ये तो बुनकर कम्युनिटी का बुनकर है, बाकी मारवाड़ी से और दूसरे जातियों के लोग भी बुनकर का काम कर रहे हैं। तो लगभग 1,00,000 परिवार बुनकर हैं आपके राज्य में, और उनकी हालत क्या है? उनको वादा किया था मोदी जी ने कि बैंक का इंटरेस्ट छोड़ा जाएगा, माफ किया जाएगा बैंक का इंटरेस्ट, लेकिन एक एक पाही करके बैंक उनसे वसूल कर रहा है बुनकर भाइयों। और दो दो बार नीतीश जी वादा किए कि हम बिजली का टैक्स उठा देंगे, बिजली ये लॉकडाउन पिछले चुनाव में भी बोले, लॉकडाउन पीरियड में जो भी बिजली का बिल है, कर है, वो हम माफ कर देंगे चुनाव के बाद। आज नीतीश जी क्यों चुप है? मैं मांग करता हूं यहां से आपके जरिए कि जल्दी से जल्द उनको राहत दीजिए, आपके बिल वसूल करने वाले पहुंच रहे हैं उनके घरों में, उनको परेशान कर रहे हैं, कमाई कुछ हुआ नहीं,
देंगे कहाँ? कमाई तो सब अदानी और अंबानी का हुआ, तीन गुना चार गुना उनका मार्केट भाव बढ़ गया, उनका पूंजी बढ़ गया, तो गरीब का इनकम कहाँ से होगा? बढ़ते जा रहा, बढ़ते ही जा रहा। तो ये यहाँ की उद्योग की स्थिति यहाँ पर, पवित्र गंगा मैया का ये धरती है, इस धरती में इतने कामगार कारगर लोग हैं, इतने स्किल लेबर है, मछुआरे हैं, उनकी संख्या बहुत भारी है, मछुआरों की संख्या, उनके लिए कोई जीविका का व्यवस्था नहीं है, कोई नियंत्रण व्यवस्था नहीं है, उनका माँ बाप कोई नहीं है, गरीबों को लूटा गया है, शोषण किया गया है, वोट की राजनीति किया गया है, लेकिन गरीबों का उत्थान नहीं हुआ। ये एक तरफ है, और दूसरी तरफ आप ये मोदी जी के मित्रों का धन का बढ़ोतरी देख लीजिए, अमित शाह जी का बेटे के बारे में तो आप देख चुके हैं, 3 करोड़ से कैसे उनका 80 करोड़ एक दो साल में बन आ गया उनका अकाउंट में, ये 80 लाख के इकट्ठे करोड़ में चला, 80 लाख था, 80 करोड़ में आ गए, तो यही अभिडम्बना। और देश का सब बोल रहे थे ना कांग्रेस वाले क्या किए 70 साल में, तो कांग्रेस ने हिसाब दिया कि हमने क्या किया, हमने पब्लिक अंडरटेकिंग भारत सरकार का उद्योग बनाया, बैंक बनाया, रिजर्व बैंक बनाया, संविधान बनाया, न्यायालय बनाया, हमने देश में बहुत सारे अखबार मीडिया न्यूज़पेपर लाए, लोगों को फ्रीडम दिया, आजादी दिया, सब कुछ किया, हमने देश की जीडीपी 9% में ले आया, विश्व का तीसरा जो आर्थिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली राष्ट्र भारत को बनाया, हमने स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय आईआईटी आईआईएम आदि जितना विश्वविद्यालय सब कुछ किया, और उन्होंने क्या किया, सारे संस्थानों पर कब्जा कर लिया, उनके आदमी बिठा दिया और सबको गुलाम बना दिया, अपने जेब में रख लिया, और जितना हम रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बैंक से सहायता देने से 7-8 बैंक को भी बंद कर दिया, रिजर्व बैंक को खोखला कर दिया, 3.5 लाख करोड़ रुपया रिजर्व बैंक का जो रिजर्व हुआ करता था, वो पैसा को जो आपातकाल में खर्च होता है, जो वार में खर्च होता है, वो पैसा को खर्च कर दिया भारत सरकार, और जितना सोना था रिजर्व बैंक को उसको भी बेच दिया। तो भैया रह क्या गया, कालाधन के नाम पर 1000 नोट को 500 नोट को बंद कर दिए, 2000 नोट आ गया, लेकिन 2000 नोट कहां गए, कालाधन हो गया, मार्केट में नहीं है, आप लोगों के पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, कहां गया, बीजेपी के खाते में गया, उनके पूंजीपतियों के पास गया। तो आज देश में सवाल उठ रहा है, देश के उद्योग को बेच रहे हैं, एक एक करके सब बेच रहे हैं, एयरपोर्ट को बेच दिए अदानी, रेलवे आधा बेच चुके हैं, और पूरा बेचने का है, बेचने का था, इसीलिए लॉकडाउन में मजदूरों को ट्रेन से भेजे नहीं, रेलवे को डिफंड कराए, नुकसान कराए, अब प्लानिंग करी है पूरा रेलवे को बेचने के लिए। तो सारा चीज अगर अदानी अंबानी के हाथ में चला जाएगा, देश में क्या रह जाएगा, जनता के पास क्या रह जाएगा, मोदी जी खुद इनके जेब में है और बाकी उनके सरकार है, तो पूंजीपति का प्रतिनिधि सरकार चला रहा है, कौन पूंजीपति, वो भी जिन लोग आप लोग धनी हम लोग धनी देखते हैं हमारे सामने, वो पूंजीपति नहीं, ये अंबानी और अदानी दो उनके परम मित्र हैं, इन्हीं के हाथ में पूरा भारत सरकार का सारा डिपार्टमेंट और सारा धन जो 70 साल में हमने बनाया था, जनता का जो इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ था, वो सब कुछ उनके पास चला गया, उनका जीडीपी बढ़ गया, उनका धन का ग्रोथ बढ़ गया, हमारी देश का जीडीपी आज माइनस पे चला गया। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे, 15 लाख रुपया हर खाता में देने का वादा किए थे, वो जुमला बन गया, और रोजगार तो देने की दूर की बात, हर रोज लाखों रोजगार लुप्त हो रहा है। और नेशनल एवरेज जो है विश्व में अगर 4% समथिंग है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, तो लॉकडाउन से पहले कोविड से पहले हमारा देश में 9% बेकार समस्या था, बेरोजगार की हालत था, और आज 3 गुना बढ़ गया है, लगभग 30% बेरोजगार हमारे देश में है, हमारा 20 करोड़ रोजगार लुप्त हो चुका है। अब ये सब करने के बाद उनका पेट भरा नहीं, टेलीफोन डिपार्टमेंट में सब डिपार्टमेंट में ये दोनों मोदी जी के मित्र आ गए, राहुल जी जो बताते हैं ना हम दो हमारे दो, ये शैली इन दोनों का
इसी से देश का सब कुछ ले लिया। अब नजर किस पर है कि देश का लार्जेस्ट और स्ट्रांगेस्ट मजबूत जीडीपी जो कंट्रीब्यूट करता है ये देश के किसानों से 62 करोड़ किसान और मजदूर जो है, खेती और मजदूर जो है, ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं भारत का हाईएस्ट कृषि का जीडीपी। ये 2000 लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं है, 62 करोड़ भारतीय लोगों का कंट्रीब्यूशन है। उस पर उनका नजर है, अंबानी अदानी का, उसको मोदी जी अमल करने के लिए किसान की बात सुन नहीं रहे, किसान की बात सुन नहीं रहे। तो सीधा सवाल उठना चाहिए कि कितने का सौदा है, कितने लाख करोड़ का सौदा है देश की उपज को उनके हवाले करने के लिए, और दूसरी तरफ खाउटी को जीवन को दुर्विषय करने के लिए जीना, क्योंकि कीमत बढ़ जाएगा इनका, ये 3 कानून से कीमत बढ़ जाएगा 10 गुना। अमेरिका में एक ब्रेड को खरीदने के लिए आपको 300 रुपया देना पड़ता है ना, हम जो 10 रुपया में यहां खरीदते हैं, ये भारत में भी ऐसे हो जाएगा, हमको 100, 200, 300 रुपया में 10 रुपया का चीज को खरीदना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल को बढ़ाते जा रहे हैं, और क्या है, भारत सरकार का टैक्स, राज्य सरकार का टैक्स, उसका सीमा नहीं, हर रोज बढ़ता है टैक्स। पेट्रोल क्रूड ऑयल तो सस्ते में मिल रहा है, आप देख लीजिए, पाकिस्तान हो, मलेशिया हो, हमारे नेपाल हो या बांग्लादेश हो, हमारे पड़ोसी राष्ट्र में कितने भाव में बिक रहा है, 45 रुपया से ज्यादा वहां पे ऑयल की कीमत कम है, और क्रूड ऑयल की कीमत 35 रुपया के तक है, $35 के तक है। हमारे समय में क्रूड ऑयल का कीमत $132 था, और हम सब्सिडी में लोगों को 48 रुपया में देते थे, और आज क्या हुआ देख लीजिए, हम सब्सिडी ऑयल सस्ते में जनता को देने के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी दिया करते थे, तो हमारे देश का पैसा कहाँ गया, ये किस खाते में जा रहा है ये सब पैसा, इतना इतना जो टैक्स ले रहे हैं किस खाते में जा रहा है, अभी तक पीएम साहब ने हिसाब नहीं दिया, वो जो कोरोना फंड उनको पीएम फंड मिला उसका हिसाब नहीं दिया। तो आज किसानों को बात जो नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए ये सत्याग्रह है, किसान की जमीन को कब्जा करने का जो साजिश है, इसमें जो आर्थिक लाभ उनके मित्रों का उनका होने जा रहा है, इसलिए सत्याग्रह कर रहे हैं, किसान को बचाना होगा। आपसे हम निवेदन करते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी का आवाज है, हम कांग्रेस पार्टी और वो कांग्रेस किसानों के साथ है और निरंतर रहेंगे, जब तक किसान की मांग पूरी नहीं होती तब तक कांग्रेस पार्टी किसान के साथ सड़क पर है और रहेगा। पहले भी रहा है, हमेशा ग्रीन रिवोल्यूशन इंदिरा जी ने लाया था, नेहरू जी ने सिंचाई का योजना शुरू किया, उसके बाद एक के बाद एक सिंचाई योजना, पीएम जो AIDP फंड का निर्माण किया गया, और मनमोहन सिंह जी के समय में बहुत सारे परियोजना हुआ है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो सिंचाई की योजना, भाद्रा नांगल जैसे ये बहुत बड़े बड़े योजना उस समय हुआ था, हीराकुद योजना हमारे यहाँ, ये सारी चीजों जो है भारत में बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, इसका स्वतंत्रता को, इसका मूल्य को, उनका कर्तव्य तो था जनता को इसका लाभ जो मिलता था, इन सबसे जनता को अलग कर दिए हैं, जनता को निशस्त्र कर दिए हैं, जनता के पास कुछ रह नहीं जाएगा, और ये किसान का जमीन मंडी उठने से, MSP हटने से, FCI डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हटने से, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आने से, और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म करने से ये व्यवस्था पूरा ले जाता है कि किसान की जमीन को ये ठेकेदारों के हाथ में रह जाएगा, और ठेकेदार जमीन छीन लेंगे किसानों का, इससे हम बचाने के लिए किसान सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारी यात्रा चल रहा है, आने वाले दिनों में अनेक क्रांति होगा बिहार में जम के, आज तक जिस तरह का रिवोल्यूशन नहीं हुआ है, ऐसे रिवोल्यूशन, ऐसे क्रांति आप 1 साल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हम केवल आपसे गुहार करते हैं, अर्ज करते हैं कि आप अगर हमारी दोष त्रुटि जो भी रहा है उसको भूल जाएं, और आज किसान और किसान की धरोहर, देश की धरोहर है, उसको बचाने में जो संघर्ष हम कर रहे हैं, उस संघर्ष में आप हमें साथ दें, आप अपनी कलम को चलाएं, अपनी आजादी जो है, अपनी अंदर की आत्मा को जगाएं,
और जो आप अच्छा लगता है, जो अच्छा हो रहा है, उसको आप अपनी कलम से आप बिहार के लोगों को, भागलपुर एरिया के लोगों को आप जानकारी दें, तो बहुत बड़ा सहयोग देश के लिए होगा। हम देश के लिए होगा कह रहे हैं, हम देशभक्ति का डिंडी भी पीट नहीं रहे हैं। मोदी हमेशा देशभक्त हैं, हम लोग देशभक्त नहीं हैं। हमारे किसान देशद्रोही है, हमारे मजदूर देशद्रोही है। कहां से पागल लोग हैं, किसान और मजदूर से बढ़कर ना राष्ट्रपति है, ना प्राइम मिनिस्टर है, ना हम है, ना और कोई नेता है। वो दोनों सच्चे भक्त देशभक्त हैं, किसान और उनका मजाक ना उड़ाएं और इस तरह की बातें नहीं कहें। दुनिया देख रहा है, जान रहा है, बाहर के लोग हंस रहे हैं, अलग थलग कर दिए हैं भारत वर्ष को, इसलिए भारत का एक्सपोर्ट जीरो हो गया है, भारत का एक्सपोर्ट जीरो हो गया। इस बात को आप सब देख लीजिए और अपना कलम चला लीजिए, अपना कलम से रिवोल्यूशन होगा और मैं आशा करता हूं आज इस पर जरूर अमल करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।